आओ बढ़े। It's time to make progress. It's time to achieve faith. यीशु ने कहा कि तुम्हारी ज्योति इतनी चमके कि लोग तुम्हारे जीवन को देखकर परमेश्वर की महिमा करें। Let's get ready to move forward in life. परमेश्वर चाहता है कि आप आगे बढ़ें। रुकी हुई अवस्था में कभी भी परमेश्वर की महिमा नहीं होती। ये प्रोग्राम परमेश्वर के द्वारा अभिषेक है आप सबको आगे बढ़ाने के लिए। आओ बढ़े। प्रेज द लॉर्ड। यीशु के सुंदर भव्य और महान नाम में मैं पास्टर प्रेज आज फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे सुंदर प्रोग्राम आओ बढ़े में, जहाँ हम परमेश्वर की इच्छा, उसके वचन और उसके ज्ञान में आगे बढ़ाए जाते हैं हमारे परमेश्वर के जन पास्टर ज़ायन के द्वारा। बाइबल हमें भजन संहिता 119 के 105 में कहती है कि परमेश्वर का वचन हमारे पथ के लिए ज्योति है। प्रेज द लॉर्ड। और जब ज्योति आती है तो हर एक अंधकार मिट जाता है। प्रेज द लॉर्ड। आज जैसे आप अपने आप को परमेश्वर के वचन को सौंपेंगे, आप परमेश्वर के अनुग्रह में, उसके ज्ञान में और उसकी ज्योति में आगे बढ़ेंगे और आपके जीवन का हर एक अंधकार पूरी तरीके से मिट जाएगा। मैं आपसे आग्रह करूंगी कि आप इस वक्त अपना पूरा ध्यान स्क्रीन की ओर रखें और अपने पूरे परिवार के साथ इस प्रोग्राम को देखें और इसका हिस्सा लें और इससे अपने जीवन में परमेश्वर की महिमा को आते हुए देखें। Praise the Lord. Pastor Zion. Transforming lives through the word of God. Worth listening. Praise the Lord. Hallelujah. धन्यवाद परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम में तू सुंदर है, अच्छा है। इस अभिषेक और आशीषित समय के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं कि तो हम एक साथ दोबारा तेरी उपस्थिति के बीच में है, तेरे वचन के द्वारा, तेरे आत्मा के द्वारा बढ़ाए जाने के लिए धन्यवाद पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक भाई और बहन के लिए जो इस वक्त इस प्रोग्राम को देख पा रहे हैं, जो हमें सुन पा रहे हैं, जिन्होंने अपना विश्वास हमारे साथ जोड़ा हुआ है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि उनके हृदय खुले हों इस वचन को विश्वास के साथ मिलाने के लिए, विश्वास के साथ ग्रहण करने के लिए। और सिर्फ विश्वास ही नहीं लेके आता ये वचन, एक संपूर्ण समाधान, तेरा अनुग्रह इनके जीवन में आता है जैसे ये अपने आप को खोलते हैं तेरे वचन के लिए। धन्यवाद परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में। आज के बाद इनका जीवन पहले जैसे ना रहे यीशु मसीह के नाम में। आमेन, आमेन, प्रेज गॉड। यू नो, कभी भी जब हम परमेश्वर के वचन के साथ फेलोशिप करते हैं, हमारा जीवन पहले जैसे नहीं रहता। एंड दैट्स सो इम्पोर्टेंट। परमेश्वर का वचन एक व्यक्ति है, सिर्फ नॉलेज इन या तो स्क्रिप्चर्स या सिर्फ ज्ञान नहीं है। परमेश्वर का वचन एक व्यक्ति है। तो जब आप सुन रहे हो, आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हो, है ना? वो वचन जिसने हर एक चीज को बनाया है और आप उस व्यक्ति के साथ फेलोशिप कर रहे हो। इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि आप पूरा अलर्टनेस के साथ, ध्यान के साथ, इन्वॉल्वमेंट के साथ आप परमेश्वर के वचन को सुने। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, या तो इम्पोर्टेंट नहीं करूँगा, ये एक बहुत ही पावरफुल चीज़ है जिसके बारे में मैं आपसे बात करूँगा, जो मैं आपको आज सिखाऊंगा, बहुत शक्तिशाली है। ऐसी चीज़ है, अगर हम अपने जीवन में इसे सीख जाएं, अपने जीवन में इसे लागू करें, तो बहुत ही कम समय में हम बहुत आगे जा सकते हैं। परमेश्वर का प्लान संघर्ष नहीं है। परमेश्वर कभी भी नहीं चाहता कि हम संघर्ष करें।
परमेश्वर ने अनुग्रह का कॉन्सेप्ट हम सबके सामने रखा है कि हम उसके अनुग्रह में जिए, उसके वचन में जिए, है ना। उसने फेवर दिया है, हमें अपना संतान बनाया है अनुग्रह के द्वारा, कि हम उसके साथ रहे, उसके साथ चले। कुछ दिन पहले मैं परमेश्वर के साथ समय बिता रहा था, मनन कर रहा था मैं, और मनन करते हुए मैं विश्वास के बारे में सोचा था। विश्वास क्या है? विश्वास नहीं है अगर परमेश्वर का वचन नहीं है। बाइबल कहती है कि विश्वास आता है वचन से, वचन को सुन के। मतलब जैसे आप कहते हो ना कि ट्रक सामान लेके आएगा, उसी तरीके से वचन विश्वास को लेके आता है। वचन विश्वास को लेके आता है, खुद से बोलिए, वचन विश्वास को लेके आता है, वचन विश्वास को लेके आता है ना। ये विश्वास क्या है? विश्वास वचन के प्रति रिस्पॉन्स है। जब हम वचन सुनते हैं, उसे बोलते कि हाँ ये सच है, हाँ ये वचन सच है। वी से यस टू गॉड, हम परमेश्वर को बोलते हैं यस, हाँ यस। व्हाट डज दैट मीन? विश्वास का मतलब है परमेश्वर के साथ हाँ में हाँ बोलना। जो दिख रहा है, जैसे परिस्थिति है, उसको अनदेखा करके उसको हाँ बोलते हैं, बोले यस। मोसेस था कितने ज्यादा लोगों के साथ मिस्र देश को छोड़ के निकला, और आगे आके ही उसने पाया कि लाल समुंदर उनके सामने है, और पीछे से मिस्र देश की सेना आक्रमण करने के लिए आई है। कैसे होगा? किस तरीके से रेड सी को डिवाइड करेंगे? क्या उसने बोला कि ओके, परमेश्वर ने बोला रेड सी डिवाइड करना है, कितने सारे इंजीनियर्स हैं, आ जाओ, एटलीस्ट हमें जानना है कि कितना गहरा है, आ जाओ। नो, ही डिडंट डू दैट। ही डिडंट यू नो, उसने ये सारी चीज़ें नहीं देखी। परमेश्वर ने बोला स्ट्रेच योर हैंड एंड डिवाइडेड, अपने हाथ को आगे कर, उसकी ओर कर, और उसे भेद कर। वो लोगों के सामने जाके ये भी नहीं कहा कि अच्छा, परमेश्वर ने कहा है भेद करने के लिए, कैसे करेंगे। ही जस्ट न्यू कि परमेश्वर ने अगर कुछ कहा है वही सच है, उसे बस पता था, है ना। अगर वो लोगों के साथ आता डिस्कस करने के लिए कि परमेश्वर ने मुझे ऐसे बोला है ये करने के लिए, मैं कैसे करूं, लोग कहते कि तुम पागल हो, तुम ना, तुम हमको उल्लू बना रहे हो, तुम हमें बेवकूफ बना रहे हो। क्योंकि परमेश्वर ने जो बोला था, एक साधारण व्यक्ति सुन के कहेगा कि अच्छा ये तो बेवकूफ बना रहा है ना, इसके पास कुछ है, ये सिर्फ कह रहे हाथ आगे करके एक समुंदर को भेद करने की बात कह रहा है, बेवकूफ बनाने वाली बात कर रहे, कोई कहानी बोल रहे हो तुम। उसने बोला कि हाँ परमेश्वर, you know? उसने बोल दिया ओके, आगे बढ़ना शुरू कर दो। उसने अपना हाथ वो किया, स्ट्रेच किया, और फिर वो लाल समुंदर वाकई में भेद हो गया। लाल समुंदर को भेद करने के पीछे क्या था? वो हाथ था, अनुग्रह था, क्या था? परमेश्वर का वचन था। परमेश्वर का वचन था। क्या था? परमेश्वर का वचन। क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि ऐसा कर तो ये होगा, उसने ऐसा किया, उसने मतलब यस बोला, रिस्पोंड किया उस वचन को। यू नो व्हाट, कुछ दिन पहले जब मैं मनन कर रहा था, मनन करते करते मेरे आत्मा में ये ज्योति आई। मतलब ये कोई नई चीज़ नहीं है, बट इसे मैं अलग तरीके से जानने पाया कि ओके, विश्वास कुछ नहीं, बट विश्वास अल्टीमेटली परमेश्वर के साथ रहना है। परमेश्वर के
साथ रहना है। परमेश्वर का वचन ही वचन है, उससे जो आता है आप कहते हो कि यस यस यस। ये विश्वास आपको दुनिया के ऊपर खड़ा करती है, ये विश्वास आपको परिस्थितियों के ऊपर जीत दिलाती है, असंभव को संभव करती है। Praise God. Now I want to show something. मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ। मत्ती की पुस्तक चैप्टर 6, I'll read from verse 7. Okay, when you pray, जब तुम प्रार्थना करो, use not vain repetitions. बेमतलब के रिपीट्स को मत करो, as the heathen do, जो अविश्वासी करते हैं. For they think that they shall be heard for their much speaking. वे सोचते हैं कि अगर वो ज़्यादा बोलेंगे तो वो सुने जाएंगे. Praise God. ये ना कितनी सुंदर बात है कि परमेश्वर हमारे बोलने से पहले ही जानता है कि हम क्या बोलने भी वाले हैं, फिर भी वो चाहता है कि हम बोले ताकि हम अपने साइड से एक्सप्रेस कर पाए। यहाँ पे कहते हैं कि बार बार रिपीट मत करो, बार बार मतलब कुछ लोग कहते हैं ना कि दे 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 परमेश्वर दे दे, मैं रो रो के प्रार्थना कर रही हूँ, विनती कर रही हूँ, दे 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 दे, प्रभु कर प्रभु कर प्रभु कर 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 प्रभु कर प्रभु प्रभु कर, तू कर, तू कर सकता है, तू कर 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 कर। आपको क्या लगता है आपके हजार बार बोलने से प्रभु करेगा? कितने साल बीत जाते हैं लोगों को इसी तरीके से रोते रोते, यहाँ तक कि वो प्रश्न करने लगते हैं कि क्या प्रभु वाकई में है या नहीं है। ऐसे लोगों को देखे 40 साल तक मसीह में है, विश्वास का रास्ता उन्होंने नहीं सीखा। उन्हें कहा जाता है प्रार्थना करो और वो इसी तरीके से प्रार्थना करते हैं, प्रभु कर दे मेरे लिए, कर दे कर दे प्रभु, कर दे कर दे कर दे, मेरे को माफ कर, मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए। Now, I want to tell you something. क्या आप जानते हो आपको प्रार्थना करने की भी जरूरत नहीं है अगर आप किसी चीज को पाना चाहते हो। आप विश्वास के घोषणाओं से बहुत सारी चीजें पा सकते हो। Rather, हम जब प्रार्थना करते हैं हम परमेश्वर के साथ बातें करते हैं, अपने रिश्तों को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, कंसोल्ट करते हैं। और सबसे पहली प्रार्थना जिससे हम शुरुआत करते हैं वो है प्रशंसा की प्रार्थना, धन्यवाद की प्रार्थना, जिसमें हम उसको महिमा देते हैं प्रार्थना के द्वारा कि धन्यवाद पिता तू सुंदर है। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। है ना कुछ कुछ लोग हैं जिन्होंने बहुत सुंदर सुंदर शब्द सुन लिए हैं और जब कभी भी उनको आप कहेंगे कि अच्छा आप प्रार्थना कीजिए, इतने सुंदर सुंदर शब्द से वो बोलेंगे, बट वो एक सिंपल रिपीट होगा ना, वो उसे यू नो हृदय से मानते हैं ना उसे बोलते हैं, बट बहुत सुंदर सुनने को लगता है। दैट इज नॉट प्रेयर, वो प्रार्थना नहीं है, यू नो वो प्रार्थना के कैटेगरी से नहीं आता, वो कोई एक स्टेज परफॉर्मेंस के कैटेगरी में आता है कि आप स्टेज में गए, बहुत अच्छा शायरी सुनाई, सबको सुनने में बहुत अच्छा लगा। वी डोंट डू दैट, प्रेज गॉड, वी डोंट डू दैट।
हम जब प्रार्थना करते हैं विश्वास से करते हैं, उसके वचन को हाँ में हाँ रख के करते हैं। नाउ गेट दिस क्लियर, हम परमेश्वर के पीछे नहीं पड़े हुए कि हमें परमेश्वर को मनवाना है। इनफैक्ट परमेश्वर हमारी भलाई हमसे ज्यादा चाहता है। हम परमेश्वर के पीछे नहीं पड़े हुए कि अब अच्छा कब परमेश्वर हमारे ऊपर दया करेगा। उसका अनुग्रह इतना है कि उसने सोचा भी नहीं, मतलब सेकंड थॉट भी नहीं दिया, उसी से पहले परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हम सब के लिए बलिदान दे दिया। I want you to understand this. Philippine ki pustak, dusra adhyay, 13 ayat. Aur ye kehta hai, for it is God which worketh in you both to will and to do of his good pleasure. Because ye parmeshwar hai jo tum mein kaam kar raha hai, taki tum achhi cheezon ko chaho aur tum achhi cheezon ko karo. Wow! मतलब हम परमेश्वर के पीछे परे नहीं हुए हैं। परमेश्वर इतना प्रेमी है कि वो हम में कार्य कर रहा है, वो हम में है, वो हम में कार्य कर रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, वो हमारे अंदर सही इच्छा जगा रहा है और उन चीजों को पूरा करने के लिए क्षमता भी वो हमें दे रहा है। Isn't it better to keep this in your consciousness? क्या ये अच्छा नहीं है कि आप इस चीज को अपने चेतना में रखो कि प्रभु मुझ में कार्य कर रहा है। Praise God. Hallelujah. कैसा लगेगा कि अगर आप किसी के जीवन में आप कुछ हेल्प कर रहे हो, उसे मदद कर रहे हो, और वो आपके सामने आके रोता है कि कुछ तो कर, कुछ तो कर, कुछ भी नहीं कर रहा तू। कैसा लगेगा आपको? अच्छा नहीं लगेगा, राइट? रादर अगर आप किसी के लिए कुछ मदद करें, वो कहेंगे ओह थैंक यू सो मच, आप मेरे जीवन में ये कर रहे हो, थैंक यू, थैंक यू, प्रेज गॉड। जब आप इस तरीके से धन्य, आपको कोई इस तरीके से धन्यवाद देगा, आप और एनकरेज होंगे और कुछ करने के लिए, राइट? अपने जीवन में परमेश्वर को, उसके उपस्थिति को, उसके कार्य को एनकरेज करें। परमेश्वर व्यक्ति है, वो एक व्यक्ति है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो इंसान है, वो एक व्यक्ति है, उसका खुद का चाहत है, यू नो, बहुत धैर्य है उसमें। बट अगर आप थोड़ा सा उसे एनकरेज करेंगे, वो 10 गुना ज्यादा हक के साथ आपके जीवन में कार्य करेगा। प्रेज गॉड। ओके, वर्स 14 क्या कहते हैं? डू ऑल थिंग्स विदाउट मर्मरिंग्स एंड डिस्प्यूटिंग्स। हर एक चीज बिना कुरकुराए, हर एक चीज बिना क्या किए, कुरकुराए, बिना प्रश्न पूछे करो। डिस्प्यूटिंग मतलब नहीं मैं इससे असमर्थ हूं, तो बिना असमर्थ हुए हर एक चीज बिना कुरकुराए करो। सो इंपॉर्टेंट, बिना असमर्थ हुए, बिना कुरकुराए, बिना असमर्थ हुए, बिना कुरकुराए, डू इट, करो। दैट्स अ लाइफ, ये हमारा जीवन है। किसके प्रति कुरकुराना है, किसके बारे में बोल रहे हैं? जब परमेश्वर का वचन हमें कुछ सजेस्ट करता है, हम सिर्फ यस बोलते हैं। सेम चीज जब पास्टर आपको करने के लिए बोलते हैं, हम सिर्फ यस बोलते हैं, कुरकुराते नहीं है उसके पीछे। ये नहीं पूछे कि हाँ क्यों करे, कैसे करे, किस लिए करे। नो, वी जस्ट डू इट, यस, वी जस्ट डू, यस। यू नो, बहुत बार हम जब कर रहे होते हैं, हमें तो लगता है कि हाँ सिर्फ हम
एक चीज़ ओबे कर रहे हैं, वचन के अनुसार कर रहे हैं, बट परमेश्वर किस तरीके से उसके वजह से हमारे फ्यूचर को शेप करता है आप सोच भी नहीं पाओगे। यू नो, मैंने अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े चमत्कार देखे हैं और बहुत बार परमेश्वर मुझे याद दिलाता है कि तुमने उस समय ये किया था, इसलिए आज मैं तुम्हारे साथ ये कर रहा हूँ। छोटी छोटी चीज़ों को वो कहते, अच्छा तुमने उस समय इस तरीके से किया था, इसलिए आज मैं तुम्हें इस तरीके से बरा रहा हूँ। I've seen it in my life. मैंने अपने जीवन में देखा है। So, ये कहते कि हर एक चीज बिना कुरकुराए, बिना डिस्प्यूटिंग करो। सो सिंपल, यू नो, लोग कहते कि इतना डिफिकल्ट है, कितना फ्रस्ट्रेटिंग है, कितना मुश्किल है, आज के दिन में क्या हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता, लोग ये करते हैं, लोग वो करते हैं, ये है वो है। किसने बोला है कि तुम्हें इस बात का परवाह रखना है कि लोग क्या कर रहे हैं या लोग क्या कह रहे हैं? इट इज सो इजी। परमेश्वर क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, उसका वचन क्या कह रहा है, जस्ट से ये सिंपल। गॉड हैज गिवन अ सिंपल लाइफ। परमेश्वर ने हमें एक आसान जीवन दिया है और उस आसान जीवन में फर्स्ट थिंग, पहला प्रिंसिपल, सारा सारा चिंता सब कुछ हटाकर उसके वचन पे ध्यान दो। यस यस, अगर आप अपने साइड से एक ये चीज करोगे, बाकी हर एक चीज आपके जीवन में बहुत ही ज्यादा सरल हो जाएंगी। Praise God. 15th verse. That ye may be blameless, harmless, the sons of God, without rebuke, in the midst of a crooked and perverse nation, among whom ye shine as lights in the world. Oh, hallelujah. The Lord. Ye kehte hain ki bina kisi dosh ke ho, bina kisi nuksan ke, परमेश्वर के संतान। इस गाय गुजरे दुनिया में तुम रोशनी की तरह चमको। इस गाय गुजरे दुनिया में तुम रोशनी की तरह चमको। चमकने का मतलब सिर्फ चेहरा चमकना नहीं होता, ना ही चमकने का मतलब कि अच्छा सबके सामने तुम अच्छे हो। शाइन, रोशनी दूर दूर तक पहुंचती है, रोशनी के किरण दूर दूर तक पहुंचती है। शाइन का मतलब है कि इन्फ्लुएंशियल, इन्फ्लुएंशियल मतलब आपके वजह से कई हजारों लाखों लोगों की जिंदगी बदलती है। आपके वजह से मतलब जिंदगियां जुड़ी होती है, जिंदगियां उठाई जाती है। Praise God. आप इतने शक्तिशाली होते हो, पावरफुल होते हो, इन्फ्लुएंशियल होते हो। राजा आपके लिए आता है कि कौन है ये, कौन ये उठ रहा है। बाइबल का एक वर्स है, किंग्स शैल कम सी दैट राइजिंग, मतलब तुम जो उठोगे राजा देखने आएंगे कि कौन ये उठ रहा है। Praise God. Now verse 16, that is so important, जो बहुत important है, यानी holding forth the word of life, holding forth the word of life, that I may rejoice in the day of Christ, that I have not run in vain, neither labored in vain, यानी कि holding forth the word of life, जीवन के वचन को पकड़े रहो, जीवन के वचन को पकड़े रहो, ताकि मसीह यीशु के दिन मुझे खुशी हो कि मैंने बिना किसी मतलब मेरा परिश्रम व्यर्थ नहीं गया, मेरा जो भागना है, मेरा जो परिश्रम है, जो मैंने तुम में दिया है, ये व्यर्थ में नहीं है। नाउ दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे कहता है, ये कहता है कि होल्डिंग फोर्थ द वर्ड ऑफ लाइफ, वचन को पकड़ के। कौन सा वचन? जीवन का वचन। कौन सा जीवन का वचन है? परमेश्वर का वचन है, जीवन का वचन, क्योंकि जीवन का जो करता है, जीवन का जो सृष्टि करता है,
और कोई नहीं, एकमात्र परमेश्वर है। जीवन एकमात्र परमेश्वर से है। लाइफ इज ओनली फ्रॉम गॉड। लाइफ इज ओनली फ्रॉम गॉड। प्रेज गॉड। इस वचन को पकड़े रखो। नाउ क्विकली आई विल शो यू हिब्रूज चैप्टर 12 वर्स 2। Wow. Looking on to Jesus, the author and finisher of our faith. The Yeshu ko dekhte hue, jisne hamare vishwas ko likha, vishwas ko shuru kiya, ye wahi hai jo is vishwas ko siddh karta hai. Who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Praise the Lord. Oh, wow. कहते हैं कि यीशु मसीह को देखते हुए जिसने हमें ये विश्वास दिया और जो इस विश्वास को सिद्ध करता है। और ध्यान दीजिए, यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर का वचन। और जब पृथ्वी में था, कहा गया कि ये परमेश्वर से जन्मा, परमेश्वर का वचन है जो देहधारी है। आज हमने उस वचन, सुसमाचार के द्वारा उस वचन से विश्वास आया, हमने उसे ग्रहण किया, हमने अपने जीवन में उसे पाया, देखा, उसके साथ संगति की। वो कहते कि उसी वचन को देखते रहो, उसी वचन को देखते रहो। हा, सो इजी है ना। जीवन में अगर एक चीज हमें करना है वो क्या है? वचन को देखते रहना है। That's it. Praise God. है ना, दुनिया में वैसे बहुत से स्मार्ट लोग होंगे जो सोचते हैं कि वे बहुत स्मार्ट है। और मैं कहना चाहता हूँ कि स्मार्टेस्ट वो है जो वचन को पकड़ के सही से खड़ा है। That's it. क्योंकि उसके बाहर कोई बुद्धिमता नहीं है। परमेश्वर के बाहर कोई बुद्धिमता नहीं है, किसी भी तरीके से कोई बुद्धिमता नहीं है, बाकी सारी मूर्खता है। प्रेज गॉड। हालेलुया। वाओ। सो आई एम श्योर, मुझे यकीन है कि बहुत कुछ आपने सीखा, समझा। ये समय है प्रभु को हम अपने भेंटों के द्वारा, अपने दशवांशों के द्वारा, अपने बीजों के द्वारा, धन्यवाद की भेंट के द्वारा हम प्रभु को ऑनर करेंगे। खासकर जब हम दसवां अंश और पहलौटा प्रभु को देते हैं, वो हमारा नहीं होता, वो प्रभु का है। दसवां अंश प्रभु को हम लौटाते हैं, बट जब हम ये लौटाते हैं, हम प्रभु को कहते हैं कि प्रभु तू मेरा, मेरे जीवन में फर्स्ट है, तू मेरे जीवन में, तू ही है जो मायने रखता है, इसलिए मैं तेरे साथ ही हूँ। प्रेज गॉड। जैसे आप अपने ऑफरिंग्स दे रहे हैं इस वक्त, परमेश्वर की आत्मा मुझे अगुवाई कर रही है कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं। और आत्मा के द्वारा आपके जीवन के ऊपर अभिषेक करूं। धन्यवाद परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में, ये आशीषित हैं। और इस आत्मा के अंश को यीशु के नाम में मैं उंडेलता हूं इन सब के जीवनों में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। रिसीव इट राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद पिता तेरे आत्मा के सामर्थ के लिए, इन सारे गवाहियों के लिए। धन्यवाद पिता, यीशु मसीह के नाम में। Amen, amen. Praise God. Hallelujah. Praise God, praise God, praise God. आशीषित रहें और आगे बढ़ते रहें. Amen. When God is here, we have nothing to fear. When God is here, we have nothing to fear. This program is brought to you by Ambassadors of Zion Church, making the world a better place.